हेलो नमस्कार, आज हम बनाएंगे मीड़ा। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, ये सिपड़ी है और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक स्पून ही तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा और हींग, और अब एक कप बेसन डाल देंगे। ये देखिए एक ही कप बेसन है, ये छना हुआ है और इसको गरम करना है। बस दो तीन बार चलाएंगे, जलाना नहीं है ना रोस्ट करना है, बस एक बार गरम हो जाए अच्छे से। और ये गरम हो गया है और इसको मैं निकाल ले रही हूँ, इसको मैंने निकाल लेती हूँ, इसको ये निकाल लिया है। और दूसरा मैंने कढ़ाई रख दी है। अब जी दूसरे बर्तन में निकाला है ना, तो इसमें दो गिलास पानी डालेंगे हम, डेढ़ गिलास, एक ही कप है ना, डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। थोड़ा लिक्विड फॉर्म में करेंगे हम, है ना, गीला करना है ना इसको। और ये मैंने रोस्ट नहीं किया है, बस एकदम से गर्म हो जाए हीरा जीरा हींग से बस। और ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें तेल डाला है मैंने, ये 20 ग्राम तेल होगा, ज़्यादा नहीं है। इसके लिए जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाला, और ये मैंने लहसुन डाल दिया है, गार्लिक है काट के डाला है, और ये अदरक है, ये हरी मिर्ची है। ये एक मिनट सोटे करेंगे, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए अब हो गया है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, इसी स्टेज पे हम डालेंगे प्याज, एक कप प्याज डाल देंगे। ये प्याज भी रोस्ट हो गया है, प्याज को रोस्ट नहीं करना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, बस ट्रांसपेरेंट ही चाहिए हमें। जब तक प्याज हो रहा है ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे पतला होना चाहिए। और ये मैंने हल्दी डाल दी है और उतने ही मिर्ची डाल दी है और उतना ही धनिया, थोड़ा ही डाला है मसाला, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये ज़्यादा हमें मिर्ची वाला नहीं चाहिए, है ना। ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी ही मिर्ची का बना रही हूँ क्योंकि बेसन है ना। और ये है ना, एक हाथ में मैंने बेसन लिया और दूसरे हाथ से मैं चलाती जा रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये मैं चलाती जा रही हूँ, थोड़ा सा थिक होने लगेगा तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, गुठले नहीं पड़ने चाहिए। ये देखिए ये देखिए चल रहा है ना ये, हाँ इसको थोड़ा सा है ना गाढ़ा करना पड़ेगा। ये देख लें ये कितना पतला है, क्या है, ये मैं प्लेट में डाल रही हूँ जमाने के लिए, देखना पड़ेगा जमाने के लिए कि कितना है। इसकी थिकनेस देख लें, थोड़ा सा बॉईल कर लें, बस जम जाए, ठंडा होने पर ये ना ये काटे ना तो बर्फी की तरह निकल के आ जाए ये। और अगर ऐसे भी छोड़ सकते हैं कढ़ाई में, तो कढ़ाई में छोड़ने से हम चपाती या कुछ खा सकते हैं, क्योंकि आज मैं जमा रही हूँ, ये दूसरी प्लेट में मैंने जमा लिया है, एक में उल्टा करा है मैंने और एक में सीधा करा है ये। ये देखिए ये जमने लायक हो गया है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और इसको मैंने ऊपर लिया है, इसको मैंने ऑयल लगा लिया है पहले दोनों प्लेट में। अब जो बचा है उसको भी जमा लूँगी मैं इसमें, और ये दो प्लेट में मैंने बना लिया है। और इसमें ये मूंगफली है और ये मूंग है, ऊपर से स्प्रिंकल कर दी हैं, ये मूंग है और ये मूंगफली के दाने हैं, रोस्टेड मूंगफली के दाने हैं। इसको बर्फी की तरह काट के इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं और चपाती से भी खा सकते हैं, और ऊपर से बघार भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बघार नहीं लगाऊंगी, हमारा हो गया है ऑलरेडी। तो ये इसमें ना स्प्राउटेड डाले हैं और ये रोस्टेड मूंगफली डाली है, वो धनिया पत्ती डाल के इसको डेकोरेट कर दीजिए। ये देखिए, और इसके है ना बर्फी काट के इसको, ये देखिए ये है ना मैंने बर्फी के शेप में काट दिए हैं, और ये मूंग डाले हैं, ये दूसरी प्लेट है अब ये। थैंक यू, थैंक यू।